दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ठंड बढ़ चुका है, आप लोग ठंड से बचे। देखो मैंने भी टोपा पहना हुआ है। दोस्तों ठंड से बचाव करें, क्योंकि दोस्तों बचाव ही हमारा इलाज है। अगर आप बचाव नहीं करोगे तो फिर बीमारी हो जाएगी, तो बाद में आपका आर्थिक क्षति और प्लस ऊपर से शारीरिक क्षति झेलना पड़ेगा। तो आप लोग ठंड से बचें, शीत ऋतु में होने वाली बीमारियों से बचें, यही उपाय है, बचाव ही इलाज है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए प्रति नए नए बीमारी उनके समाधान इलाज लाता रहता हूं, जो आप लोगों के लिए निःशुल्क और फ्री में होता है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी दबा दें। दोस्तों कमेंट भी करें, आपका कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। दोस्तों एक जरूरी सूचना मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि मैं एक स्कीम ला रहा हूं कि आप लोगों को कोई बीमारी हो, कोई डिजीज हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज़ मेरे किसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी बीमारी को लिखें। मैं आप लोगों को फ्री में सलाह, फ्री में दवा, फ्री में मार्गदर्शन देता हूं, जो निःशुल्क है, और इसके लिए मैं कोई शुल्क नहीं लेता, जो आप लोगों के लिए फ्री है। आप लोग इसका लाभ उठाएँ और मज़ा करें। दोस्तों एक और सूचना है, मैं खबरी पर भी बिजी रहता हूँ, आप लोग खबरी पर जाएँ, वहाँ मेरे भी चैनल का नाम विहंगम हेल्थ ही है। आप लोग वहाँ भी जाएँ, वहाँ भी मेरा हेल्थ मोटिवेशन चैनल आता है, वहाँ भी मैं अपने मतलब अपना विचारों को लोगों को देता हूँ, लोगों को हेल्थ के बारे में टिप्स बताता हूँ, जो टिप्स यहाँ नहीं होता यूट्यूब पे मैं वहाँ बताता हूँ। आप लोग वहाँ विजिट करें, खबरी पर जाएँ और मेरे विचारों से अवगत हों और लाभ लें। तो दोस्तों चलिए आज का विषय है दोस्तों कि हम क्या खाएं, क्या पिएं या कैसा जीवन शैली हो कि हमारे चेहरे पर झुर्री ना पड़े। दोस्तों आजकल देख रहे हैं जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, जाड़े में लोगों के चेहरे पर झुर्री आ जाती है, लोगों के पपड़ी आ जाने लगते हैं, काले होते हैं, गाल फटने लगते हैं, आम बीमारी दोस्तों सब में होता है। लेकिन दोस्तों हम क्या खाएं, क्या पिएं कि हमारे चेहरे पर झुर्री ना पड़े, काले काले धब्बे ना आवे, दाग ना आवे हमारे चेहरे पर, मतलब देखते काला काला डार्क सा काला जाता है, या हम समय से पहले लगते हैं बूढ़े दिखने, चेहरे के चमड़े झूल जाते हैं, ये झुर्रिया पड़ जाती है, लकीरें आ जाती है चेहरे पे। तो हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए, ये हमारा क्या जीवन शैली हो कि हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़े, हम सदा युवा दिखें, सदा जवान तरह दिखें, अलर्ट बहुत दिखें हैं। तो आप लोग आज मैं टिप्स बताऊंगा, आप लोग ध्यान सुनेंगे, मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगी। दोस्तों पहला नंबर दोस्तों कि आप लोग पानी खूब पिए, कम दिन भर में 5-7 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, प्यास लगे ना लगे आप हर एक घंटे पे आधा गिलास एक गिलास पानी अवश्य ही पिए। बहुत सारे लोग जो है पेशाब करने डर से पानी नहीं पीते, उससे गलत बात है, पानी पीने से बहुत सारे हज़ारों फायदे हैं, लेकिन यहाँ बात है कि फिर सिर्फ चेहरे पे झुर्री न पड़े, चेहरे पे चमक बरकरार है, तो आप पहले हर एक घंटे पे पानी पिए, ठीक है। आप पौष्टिक आहार जैसे विटामिन सी वाले फल होते हैं ना, विटामिन सी वाले आहार जैसे गाजर, मूली, अनानास, नारंगी, ये सब विटामिन सी वाले फल होते हैं, इनको आप नियमित सेवन करें, कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों विटामिन ई की गोलियां आती है, जैसे देखना इवियन 400 कैप्सूल आता है, विटामिन ई गोलियां लें और डेली एक दूध से खाएं या जूस से पिए, चाहे नहीं हो तो पानी से ही पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल गोली आप खा सकते हो और लगातार 15-20 दिन कंटिन्यू खा लें, आपके चेहरे पर एकदम लाइट दमक आ जाएगी। इसको आप चाहे तो हर 3 माह में रिपीट कर सकते हो, 15-15 दिन, आप हमको लगता है काफ़ी लंबे दिनों तक, 60-70 साल तक बिल्कुल आपके चेहरे पर झुर्री नहीं पड़ेगी, गारंटी है। इस कैप्सूल के अंदर तेल को भी चाहो तो चेहरे पर लगा सकते हो, एक घंटे बाद धो देना, एकदम चेहरा आपका चमक जाएगा। दोस्तों इस कैप्सूल में अंदर तेल जो आती है ना विटामिन ई की है, वो चमड़े को छील देती है, नया नया स्किन जो मिर्च से ना जो मिर्च को स्कैन को निकाल देती है, नई कोई स्कैन ऊपर रहती है, आपको चेहरे पर फर्दर लाइट चमक आ जाता है, आप बिल्कुल अगर सांवली भी तक गोरा दिखेगा चमक, आपको चेहरे पर चमक दिखेगा। तो विटामिन ई गोलियाँ खा भी सकते हो, अंदर का तेल जो है ऊपर मुँह पर लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, सबको आजमाता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत यूजफुल लाभकारी है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक और विधि है, सुबह सुबह प्रतिदिन आप मुंह में पानी भर करके आप मुंह को फुलाएं, ऐसे मतलब मुंह में पानी भर लेना, मुंह को सांस रोक के कुछ फुला कर रखना है, एक विधि है, ये प्रतिदिन करें, आपके आँख की रोशनी भी तेज होगी, चेहरे पर चमक भी आएगा, चेहरे पर झुर्री नहीं पड़ी, गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आता है लास्ट में, दोस्तों बता रहा हूँ मैं, आप शुद्ध खोपरे का तेल लें, आता है ना गोले का तेल, खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल प्योर, उसमें कोई मिक्स वाला सेंटेड नहीं होना चाहिए, प्योर देखना सादा तेल बिकता है, प्योर पर्सली वो लें। क्या करें, आप अपने हाथ पे मतलब 2-4-10 बूंद तेल ले लें और 2-4-10 बूंद पानी मिक्स करके चेहरे पे मालिश करना है, खूब ऐसे 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 खूब है, खूब खूब चेहरे पे आपको एक बार डेली मालिश करना है, ऐसे खूब मालिश। दोस्तों अगर आप इसको मालिश करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 80 साल तक भी आपको चेहरे पे चमक बना रहेगा, झुर्रियाँ नहीं आएगी, आप बिल्कुल सदा युवा दिखोगे, जाड़े में आपके चेहरे पे जो डार्क सर्कल बनते हैं वो नहीं बनेंगे, चेहरा बिल्कुल चमकेगा, जाड़े में भी कितना शीतलहर हो आपका चेहरा में बिल्कुल हूबहू गर्मी की तरह आपके चेहरे में चमक बनी रहेगी, ये गारंटी है, सर्दियाँ मैं कह रहा हूँ, मैं खुद स्वतः करता हूँ, इसको वर्षों से कर रहा हूँ, और तमाम जो मरीज होते हैं इस तरह के उनको मैं सलाह देता हूँ।
तो दोस्तों मैं समझाने वाली बातों को समझ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करें और घंटी दबाएं दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।